प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बेसिक क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे सामने वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ रहा है और स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड टू द राइट है। इसमें सबसे पहली बात कही गई है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड ऑब्वियस फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। इंडिफरेंस कर्व का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑब्वियस फीचर है, हर इंडिफरेंस कर्व राइटवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ठीक है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टू द राइट होता है। दूसरा इन्होंने बोला, द स्लोपिंग डाउन इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स दैट व्हेन द अमाउंट ऑफ वन कॉमोडिटी इन द कॉम्बिनेशन इज इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ द अदर कॉमोडिटीज रिड्यूस्ड। तो जैसा कि आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि जब हमने क्या किया कि फूड की एक यूनिट बढ़ाई तो जो क्लॉदिंग है वो 6 यूनिट नीचे फॉल कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आप जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व में हम क्या शो करते हैं, दो कॉमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस को शो करते हैं, अलग अलग ग्रुप को शो करते हैं जो कंज्यूमर को बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब ये जो दो कॉमोडिटी का कॉम्बिनेशन है उसमें हम एक को सेक्रीफाइस करेंगे तभी दूसरे की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। तो इन्होंने बोला कि ये जो स्लोपिंग डाउन इंडिफरेंस कर्व क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि एक कॉमोडिटी का जो अमाउंट है कॉम्बिनेशन में जब आप उसे इंक्रीज करते हैं तो दूसरे को आपको रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और लास्ट में पहली प्रॉपर्टी में कहा गया है कि दिस मस्ट बी सो इफ द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज टू रिमेन कॉन्स्टेंट ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। ये इसलिए भी होता है क्योंकि सेम इंडिफरेंस कर्व पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अगर आप कॉन्स्टेंट रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि एवरी इंडिफरेंस कर्व टू द राइट रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जैसे ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, अब जैसे जैसे ये राइटवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा वैसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वहां पे बढ़ता जाएगा। तो हम ये इंडिफरेंस मैप की मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला IC4 जो है वो ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, IC4 जो है क्योंकि ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इसलिए दे रहा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा राइट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, मौजूद है। ठीक है, इन्होंने बोला एवरी इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए, एक इंडिफरेंस कर्व है, उन ढेर सारे इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशन को हम इंडिफरेंस मैप कंसिडर करते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि एवरी इंडिफरेंस कर्व टू द राइट ऑफ द प्रीसीडिंग कर्व इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड द कर्व टू द लेफ्ट शोज लेसर सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब क्या है कि IC2 इन कंपेरेटिव टू IC1 ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, IC3 इन कंपेरिजन टू IC2 ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, IC4 इन कंपैरिजन टू IC3 ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। आप बात समझ रहे हैं? तो इन्होंने बोला एवरी इंडिफरेंस कर्व टू द राइट ऑफ द प्रीसीडिंग कर्व इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड द कर्व टू द लेफ्ट शोज लेसर सेटिस्फेक्शन। इसके आगे इन्होंने बोला, दिस मींस दैट द इंडिफरेंस कर्व एट द हायर लेवल फ्रॉम द एक्सिस शोज ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देन एन इंडिफरेंस कर्व टू द लोअर लेवल। सीधी सी बात, ठीक है, तो हायर लेवल मतलब IC4 जो है वो IC1 के कंपेरेटिव हमेशा ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा जो कि एक्सिस से सबसे ज्यादा दूर है, सबसे ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब एक दूसरे को कभी वो कट नहीं करता। ठीक है, इन्होंने बोला द इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर एज हायर एंड लोअर कर्व्स शो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हायर कर्व ज्यादा सेटिस्फेक्शन शो करेगा, लोअर कर्व जो होगा वो कंपेरेटिवली कम सेटिस्फेक्शन शो करेगा, लेकिन ये आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। द इंडिफरेंस कर्व्स नेवर कट ईच अदर एज हायर एंड लोअर कर्व शो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये इंडिफरेंस कर्व आप यहाँ देख सकते हैं और ढेर सारे इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशन को या सेट को हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। और आप इंडिफरेंस मैप की मदद से भी जान सकते हैं कि ये आपस में पैरेलल है, एक हिसाब से एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं।
जो फोर्थ हमारा प्रॉपर्टी है वो है कि इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच द एक्सिस। जो इंडिफरेंस कर्व है, जैसा कि आप इंडिफरेंस कर्व में भी देख सकते हैं, इंडिफरेंस मैप में भी देख सकते हैं, इसने ना एक्स एक्सिस को टच किया ना वाई एक्सिस को टच किया। तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता। इन्होंने बोला अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज दैट इट विल नॉट टच द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। दिस इज बोन आउट ऑफ आर अजम्पशन दैट द कंज्यूमर इज कंसिडरिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज। ये इसीलिए आया है क्योंकि हमारा जो अजम्पशन है कि कंज्यूमर्स हमेशा दोनों कॉमोडिटीज के कंजम्पशन को लेकर के चल रहे हैं, वो कभी भी एक कॉमोडिटी में नहीं आते। जैसे अगर उन्होंने एक्स कॉमोडिटी नहीं ली तो एक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है, या वाई नहीं ली तो वाई जीरो हो जाएगा। तो उस मोमेंट पे क्या होगा कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कर्व टच कर जाएगा। लेकिन जब हम दो कॉमोडिटीज की कुछ ना कुछ क्वांटिटी को लेकर के चलते हैं, दोनों कॉमोडिटीज की कुछ ना कुछ यूनिट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। आप देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व में भी नहीं टच हो रहा, ना इंडिफरेंस मैप में टच हो रहा है। और जो हमारा आखिरी है वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आपको मालूम है ना कि ये ओरिजिन होता है, ठीक है, ओ, ये हो गया कॉनकेव, ठीक, ये हो गया कॉनकेव टू द ओरिजिन और ये हो गया कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। इन्होंने बोला द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज दैट दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड दे कैन नॉट बी कॉनकेव टू द ओरिजिन। ठीक, जो इंडिफरेंस कर्व है हमेशा कॉन्वेक्स होता है, कभी भी कॉनकेव नहीं होता ओरिजिन के। अ नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड इट कैन नॉट बी कॉनकेव। जो नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है, वो कभी भी कॉनकेव नहीं होता, क्योंकि ओनली कॉन्वेक्स कर्व्स विल लेंड टू द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है वो ये है कि हमेशा कॉन्वेक्स कर्व्स जो होते हैं वो हमेशा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को कवर करते हैं, ठीक है। ओनली कॉन्वेक्स कर्व्स विल लेंड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और आखिरी में कहा जा रहा है इन द केस ऑफ कॉनकेव कर्व इट विल लीड टू इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन व्हिच इज पॉसिबल। तो कॉनकेव कर्व में क्या होता है कि वहां पे इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, जो इम्पॉसिबल है, कभी भी इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। इसीलिए अगर होता तो फिर वो कॉनकेव होता, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, इट इज टोटली इम्पॉसिबल। इसीलिए हमेशा क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जब भी प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा तो जो कर्व बनेगा ओरिजिन से वो हमेशा कॉन्वेक्स बनेगा। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व समझ में आ गया होगा। वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक शेयर कमेंट बनता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।